गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 10th of मार्च पे पहुंच चुके हैं और आई होप आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। डे बाय डे एग्जाम के पास पहुंचने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोशिश करिएगा अपनी जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने की स्टेप बाय स्टेप मैनर में, और जो रिवीजन है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। करंट अफेयर्स तो आपको साइड बाय साइड कवर करने ही है। तो यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी को हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। एट द रेट प्रिंस अंडरस्कोर लूथरा पे आपका कोई भी प्रिलिम्स मेंस या इंटरव्यू के लेके डाउट होता है, यू कैन आस्क दैट डायरेक्टली टू मी। टॉपिक्स देख लेते हैं आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं। चाबहार पोर्ट के बारे में डिस्कशन होगा, पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर को डिस्कस करते हुए, न्यू एम्ब्रेला एंटिटी फॉर पेमेंट सिस्टम्स को हम जानेंगे, रेडियो लाउड क्या है इसके बारे में डिस्कशन होगा, स्वच्छ भारत मिशन को डिस्कस करते हुए, 100A कैंपेन फॉर 100% कवरेज क्या है ये इसको जानेंगे, ऑलिव रिडली को लेकर कुछ नई स्टेटमेंट्स हैं, वैसे हम इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से न्यूज में था तो दोबारा से क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया है। पीएम बीजेपी के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आईएनएसटीसी भी न्यूज में था, चावार को लेकर भी, अदरवाइज भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको रिविजन वीडियो जो है आपकी होम स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। आपकी जो जॉब है वो ये है कि जो ये रिविजन वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द अपकमिंग एग्जाम। जो 2021 में आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें ये रिविजन वीडियो आपको काफी हेल्प करेंगे। मैंने कोशिश करी है जो इसकी लेंथ है वो छोटी से छोटी रखने की, 2 से 3 मिनट, कई बार 1 मिनट के ही वीडियो है, तो ये 2 मिनट 3 मिनट के जो वीडियो है इसको जरूर देखिएगा, और जैसे ही वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसका आंसर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आंसर को प्रेडिक्ट करिए, फिर वीडियो को अनपॉज करें, फिर उसे कंप्लीट देखिए कि क्या जो आपने आंसर यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, जो अपने एलिमिनेशन मेथड को यूज किया, अपनी नॉलेज और कॉमन सेंस को यूज करके आंसर किया है, क्या वो सही भी है कि नहीं, और इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपको ध्यान से सुननी, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज फॉर द पीपल जो कि 2021 में एग्जाम दे रहे हैं और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम अपकमिंग एग्जाम में जो भी उनकी मेहनत अभी उन्होंने करी है, पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, उसमें रिविजन जो है वहां है, वो जो चीज़ है वो यहाँ पे करी जा सकती है। क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज 12th of मार्च से जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो कोशिश करें 12 मार्च से पहले ही उसे एनरोल करने की। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं शुरू हुए, तो ये जो लास्ट के 100 डेज हैं, अभी 100 डेज से थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपके पास है, लेकिन सीरीज अभी कुछ दिन ही हुए हैं इसे शुरू किए हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, बट द रीजन इज कि 100 डेज में आप अपनी सीरीज को भी कंप्लीट करें और उसके बाद भी कुछ टाइम आपके पास रहे कि अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो कर पाए। इन 100 डेज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के हैं वो दिए गए हैं, तो अगर आप ऑलरेडी स्टैटिक और करंट को कवर कर चुके हैं तो ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे ये चीज जानने में कि कम से कम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी साथ में कवर हो जाए, और अगर आपने पहले अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो इन 100 डेज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा पूरा न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर्स और पूरी पूरी स्टैटिक की जो किताबें हैं वो पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं बचा है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप मुझे 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे जो आपको असाइनमेंट इसके अंदर जो वीडियोज आपको दिए जाते हैं उसे देखें, वीडियोज के साथ साथ जो क्विजेस दिए जाते हैं उसे प्रैक्टिस करें, और जो मैं आपको सजेशन देता हूं वो चीज प्रैक्टिस करें, देन चांसेस ऑफ सक्सेस विल इंक्रीज। जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट सेट करके चल रहे हैं यहाँ पे, जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 रखी गई है, मतलब बेसिकली आपको 6 MCQs जो है वो करेक्ट करने टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन विद इन 1 आवर करनी पड़ेगी, अदरवाइज 24 आवर्स में कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप पूछते हैं तो मैं यही कहूंगा, फर्स्ट टाइम जब देख रहे हैं तो नोट्स मत बनाइएगा, पहले ध्यान से देखें एमसीक्यूज को, ध्यान से देखें, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने, जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देखेंगे तब आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चाबहार पोर्ट को अंडरलाइन करना है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेट करता है। ओनली ईरान एंड इंडिया साइन एन अग्रीमेंट ऑन डेवलपिंग चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान और इंडिया कंट्रीज जो थी वो सामने आई थी और उन्होंने अग्रीमेंट को साइन किया था। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो इंडिया ने एक्सप्रेस करी है इट्स इंटेंट, अपनी एक इंटेंशन जाहिर करी है कि जो चाबहार पोर्ट है उसे 13 नेशन, 13 कंट्रीज का जो INSTC, ठीक है, क्या है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके अंदर यहां पर इसको शामिल करने की इंटेंशन जो है वो दिखाई है। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया टू रशिया, इंडिया से रशिया तक जाता है, एंड ये INSTC जो है इसकी मेंबरशिप जो है वो वेरियस कंट्रीज को दी गई है जिसमें अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल है, और ये बेसिकली मैरिटाइम इंडिया समिट के दौरान इसके ऊपर जो चर्चा है वो भी करी गई थी। आपको बताना है चाबहार पोर्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेट करता है,
तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। हम जो आपकी ओमान की खाड़ी है वहां पर ये स्थित है, आपको मैप के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा इसके बारे में। सेकंड, ओनली ईरान एंड इंडिया साइन एन अग्रीमेंट। तो क्या सिर्फ ईरान और इंडिया ने ही अग्रीमेंट साइन किया था? देखिए, इट वॉज अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। ट्राई का क्या मतलब होता है? थ्री। तो थ्री पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी, वो थ्री पार्टीज कौन कौन सी थी? इसमें ईरान और इंडिया तो थे ही, साथ ही साथ अफगानिस्तान भी था, ठीक है। तो ओनली ईरान एंड भारत जो है उसकी वजह से, ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी क्या होगा यहाँ पे, आपको इनकरेक्ट बताना था, ध्यान रखिएगा। सो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान से यहाँ देखिएगा, कांडला जो है, कांडला का नया नाम क्या है? गुजरात में लोकेट करता है, लेकिन इसका नया नाम आप मुझे बताइएगा। सो दिस इज आपका जवार, और यहाँ से जो आपका देलाराम रोड है उससे कनेक्ट करने की इसको बात करी जा रही थी, ताकि अफगानिस्तान के अंदर एंट्री मिल सके, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से एंट्री जो है पाकिस्तान के थ्रू हम नहीं जाना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो निकाला गया था, एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। ध्यान रखिएगा, चाबार पोर्ट, अरेबियन सी, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान की, और कराची भी यहीं पे लोकेट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर की पीएलआई स्कीम को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपको दिए और पूछा है बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन डोमेस्टिक यूनिट्स। तो डोमेस्टिक यूनिट्स के अंदर जो चीजें मैन्युफैक्चर करी जाती हैं उसके ऊपर इंसेंटिव दिया जाता है अगर सेल्स इसमें इंक्रीज करी जाती है। तो हो सकता है इट विल एनकरेज फॉरेन कंपनीज टू सेटअप एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो फॉरेन कंपनीज को ये एनकरेज करेगा कि वो यहां पर आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो लगाएं, इंडिया के अंदर आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक्सपेंड करें। सोचिए इसके बारे में, आपको करेक्ट बताना है, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड मतलब किससे लिंक है? प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है, तो प्रोडक्शन जैसे किया जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेलीकॉम सेक्टर विद एन आउटले ऑफ 12,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जो आउटले है इसको दिया गया। मोर स्पेसिफिकली 12,195 करोड़ जो है वो अगले 5 सालों के लिए दिया गया है। यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीमेंटल सेल्स, कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो है वो सेट किए जाते हैं, जब वो पैरामीटर्स मिल जाते हैं उसके बाद ही ये जो बेनिफिट है वो व्यक्ति को या फिर उस यूनिट को दिया जाता है। इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो हम आत्मनिर्भर भारत का सपना जो देख रहे हैं वो सपना हम कब कंप्लीट कर पाएंगे? वो सपना हम तभी पूरा कर पाएंगे अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है चाइना से भी आगे जाके खुलती हैं, क्योंकि चाइना का जो डेवलपमेंट है देखेंगे उसकी जो जीडीपी ग्रोथ हुई है या फिर कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो उसने डोमेस्टिक लेवल पे अपनी क्रिएट करी थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2020 मतलब आज से एक साल पहले इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, दैट एम्स टू गिव कंपनीज की हम इंसेंटिव देंगे डोमेस्टिक यूनिट्स को जो अपनी सेल्स जो है वो इंक्रीज करेगी। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी है यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज को एनकरेज करने की बात नहीं करेगी, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत का सपना ले रहे हैं। इट मींस हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ओपन करें, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करें, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, आपको इंसेंटिवाइज करने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करना कंप्लीट करते हैं तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना शुरू कर दीजिएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन यू कैन प्रेस द लाइक बटन, उससे आई विल ऑल्सो बी एनकरेज। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो वो भी @prince_luthra पे जरूर दीजिएगा। मेक इन इंडिया पुश का जो इन्फोग्राफिक है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। स्कीम क्या है? बेसिकली इट विल ऑफर गियर मार्केट एनुअल कैश इंसेंटिव 4-7% ऑन एनी इंक्रीज इन सेल ऑफ लोकली मेड इक्विपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स कंपेयर विद 2019-20 लेवल्स। 2019-20 से कंपेयर किया जाएगा, और अगर सेल्स के अंदर वृद्धि देखी जाती है तो यहाँ पे इंसेंटिवाइजेशन करने का भी काम किया जाएगा। टू मेक इंडिया एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हब, क्रिएट जॉब्स एंड कट इम्पोर्ट्स स्पेशली फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें करी जा रही है। एक तो आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारा होने वाला है पूरा, साथ ही साथ जब हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। थर्ड, हमें इम्पोर्ट जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, जब हमारे यहाँ पे खुद ही मोबाइल फोन्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, हमारे यहाँ पे खुद डेटा केबल से लेके आपके अडेप्टर्स चार्जर्स जो है जो अभी हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं वो सभी जब हमारी खुद की ही कंट्री के अंदर बन रहे होंगे, मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, तो चाइना को बहुत बड़ी मात्रा में जो हम फॉरेन एक्सचेंज देते हैं ये सब चीजें इम्पोर्ट करने के लिए वो नहीं देना पड़ेगा, और फेवर जो है पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारे फेवर में आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा स्टेप लेके काफी ज्यादा चीजें जो है वो एक ही बारी में करी जा सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू एम्ब्रेला एंटिटी फॉर पेमेंट सिस्टम्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे
इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो रिसेंटली एक न्यू अमरेला एंटिटी फॉर पेमेंट सिस्टम आए हैं, उसको लेकर दो स्टेटमेंट्स है। पहली कहती है इट विल बी अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी दैट विल सेटअप मैनेज एंड ऑपरेट न्यू पेमेंट सिस्टम। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी रहने वाली है जो कि क्या करेगा, नए पेमेंट सिस्टम को सेटअप करेगा, मैनेज करेगा और इवन उसको ऑपरेट भी करेगा। हो सकता है इट एम्स टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू एग्जिस्टिंग एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली उसने यूपीआई क्रिएट किया और काफी सारी चीजें दूसरी भी इसने क्रिएट करी है, उसका एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है वो इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सोचें फिर कर देंगे डिस्कशन। चलिए देखिए, द प्राइवेट कंपनीज उन्होंने एक इंटरेस्ट शो किया है इन सेटिंग अप न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर पेमेंट सिस्टम। ये आइडिया जो है आरबीआई के द्वारा फॉरवर्ड किया गया था। स्टेटमेंट वन की बात करें तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी जो है ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी होगी और ये जितनी भी आपकी पेमेंट सिस्टम्स होते हैं उनको मैनेज भी करेगी, पहले तो सेटअप करेगी फिर मैनेज करेगी और फिर ऑपरेट भी करेगी, स्पेशली इन द रिटेल स्पेस, जो रिटेल सेक्टर है उसके अंदर, जैसे कि एटीएम्स हो गए, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल्स हो गए, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स होते हैं या फिर रेमिटेंस सर्विसेज होती हैं, उस एरिया में इसका काम रहने वाला है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगी वो तो आपकी करेक्ट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, वो है कि हमें एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्रिएट करना है एनपीसीआई के साथ। तो एनपीसीआई ने जो ऑलरेडी आपके पेमेंट के लिए काफी सारे सोर्सेज जो है वो यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, लेकिन अब ये जो एनयूई बनाया जाएगा वो एनपीसीआई के ऑल्टरनेटिव में बनाया जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन रहने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट तो दोनों में से कोई भी नहीं है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है रेडियो लाउड क्वाजर सीन इन न्यूज इज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो लाउड क्वाजर जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, अमेरिकन ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरीज वेरी लार्ज टेलीस्कोप ESO VLT, XMM न्यूटन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, मेजर एटमोस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप मेज के द्वारा। सोचिए इसके बारे में फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने डिस्कवर किया है द मोस्ट डिस्टेंट रेडियो लाउड क्वाजार, ठीक है, और ये फाउंड आउट किया गया है विद द हेल्प ऑफ ESO VLT, दैट इज यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरीज वेरी लार्ज टेलीस्कोप। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वाजार के बारे में जान लेते हैं कुछ चीजें, क्योंकि इसे डिस्कवर किया गया। क्वाजार जो होते हैं ल्यूमिनस चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फार अवे गैलेक्सीज, दूर दूर की गैलेक्सीज के अंदर पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो होते हैं उसे एमिट करते हैं, उसे निकालते हैं। द वर्ड क्वाजार जो है ये शॉर्ट फॉर्म है क्वाजाई स्टेलर रेडियो सोर्स की, ठीक है। द नेम विच मीन्स स्टार लाइक एमिटर्स, क्वाजार का मतलब होता है जो स्टार लाइक एमिटर्स होते हैं, जैसे स्टार जो है वो फ्रीक्वेंसीज को एमिट करते हैं उसी तरीके से क्वाजार भी करते हैं, ये रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं। और ये जो नाम इसको दिया गया था 1960 में दिया गया था, नेम इज रिटेन टूडे, इवन आज भी इसे क्वाजार ही कहा जाता है, इवन दो एस्ट्रोनॉमर्स नाउ नो कि क्वाजार जो होते हैं फेंट रेडियो एमिटर्स होते हैं, और रेडियो वेव्स के अलावा और विजिबल लाइट के अलावा क्वाजार जो है वो यूवी रेज हो, इंफ्रारेड वेव्स हो, एक्स रेज हो या फिर गामा रेज हो, उनको भी एमिट करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो क्वाजर होते हैं वो इन चारों में से क्या क्या एमिट करते हैं, आपका इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज हो, इंफ्रारेड हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, ये सभी चीजें एमिट करी जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं क्या बात करते हैं। विद रेफरेंस टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स आपको स्वच्छ भारत मिशन को लेकर दे रखी है और फेज 2 को लेकर दे रखी है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड रीयूज। ये किसको प्रमोट करने की बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, और किस तरीके से वेस्ट वाटर का सेफली डिस्पोजल करना है इसकी बात इसके अंदर करी जाती है। इट विल फोकस ऑन ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, तो ODF प्लस के ऊपर फोकस इसके अंदर किया जाएगा। आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे, इनकरेक्ट नहीं बताना है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कशन हम अपना शुरू करने वाले। चलिए रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है उसे अप्रूव किया गया है, इसी वजह से न्यूज थी। अगर हम आए पहली स्टेटमेंट पे, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है, स्पीक्स ऑफ सस्टेन्ड बिहेवियरल चेंज व्हाइल एम्बार्किंग ऑन न्यूअर एजेंडास ऑफ सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड रीयूज। मतलब यहां पे जो फोकस किया जाएगा वो बिहेवियरल चेंज पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो नए नए एरियाज हैं 2.0 के अंदर, तो नए नए एरियाज को भी काउंट किया जाएगा। तो नए एरियाज के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी शामिल किया गया है, एट द सेम टाइम सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है उसके बारे में भी इसमें चर्चा करी जा रही है।
सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस इट विल फोकस ऑन ODF प्लस, जिसका मतलब है जिसमें क्या क्या नई चीजें आती है। ODF प्लस तो ठीक है, मान लिया हमने, विच इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ODF ओपन डेफिकेशन फ्री की जो सस्टेनेबिलिटी है, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, ये ODF 2.0 के अंदर, ODF प्लस के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले क्रैक यूपीएससी एग्जामिन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सो यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज। अगर आप 2 घंटे दे सकते हैं, और अगर आप 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम, अगर आप 3 से 3.5 घंटे भी दे पाएंगे, देन यू कैन गो फॉर द exam.netmock.com के ऊपर जो 200 डेज की सीरीज है, बिकॉज इसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ वीडियोज है, असाइनमेंट्स जो है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। सो कवर करने की कोशिश, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करने की कोशिश इसके अंदर करी गई है। तो इसमें दिए गए जो क्लास वीडियोज हैं और जो एमसीक्यूज वीडियोज है, देखिए एमसीक्यू वीडियोज अलग से बनाना जरूरी इस वजह से था क्योंकि एमसीक्यूज को सोल्व करना एक अलग ही टेक्निक होती है। रीडिंग एंड क्लास लेक्चर जो होते हैं वो हम सभी लोग देखते हैं, हम सभी लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस वॉच करते हैं, लेकिन एमसीक्यू सोल्व करना एक आर्ट होती है जो कि इसके अंदर बताई गई है। बेसिकली जब आप इतने सारे एमसीक्यू को सोल्व भी करते हैं बैक टू बैक, तो कुछ चीजें वैसे ही आपको इंटरनलाइज हो जाती है कि यस अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं तो उसे कैसे सोल्व करना है। तो वो पूरी कोशिश करी गई है इन दो सीरीज के अंदर कि अपकमिंग प्रीलिम्स 2021 के लिए आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम आप सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आई रेकमेंड कि आप 200 डेज की सीरीज के लिए जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो कवरेज है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 100 डेज की सीरीज के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इंश्योर करें कि जो वीडियोस हैं और जो मैं आपको सजेशन इसके अंदर देता हूं उसको आप फॉलो करिएगा। अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपकी क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस साल नहीं देना चाहते हैं, 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन दिस इज द सीरीज फॉर यू, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 100 डेज कैंपेन फॉर 100% कवरेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ पे 100 डेज कैंपेन 100% कवरेज के बारे में बता रखा है और कहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इस कैंपेन को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये बताया हुआ है। इट एम्स टू प्रोवाइड पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पसेस एंड टैप वाटर फॉर हैंड वॉशिंग एंड टॉयलेट्स इन एवरी स्कूल, आंगनवाड़ी एंड आश्रमशाला और रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल। तो यहाँ पे पानी प्रोवाइड करने की, पाइप वाटर प्रोवाइड करने की बात करी गई है और कहा गया कि हमें आंगनवाड़ी, स्कूल, आश्रमशाला, रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल के अंदर जो ये पानी की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कहा गया है कि 1/2 ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड आंगनवाड़ी उनके पास टैप वाटर सप्लाई अवेलेबल है डिस्पाइट अ 100 डे कैंपेन फॉर 100% कवरेज बीइंग लॉन्च्ड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री इन अक्टूबर 2020। मुझे याद है इसके ऊपर भी हमने एमसीक्यूज अभी कुछ महीने पहले डिस्कस किए थे, अक्टूबर 2020 में, जब ये 100 दिन का मिशन मोड प्रोजेक्ट आया था कि हमें 100 दिन के अंदर ये पानी प्रोवाइड करना है, ये टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे कोशिश करी गई थी कि 100% जो कवरेज है वो किया जाएगा, लेकिन 100% हम नहीं कर पाए, 50% कराया हमने, और ये इन्फॉर्मेशन हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दी है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया ये लॉन्च किया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा अक्टूबर 2020 के अंदर, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ यस ये एक मिशन मोड में चीज लाई गई थी, मिशन मोड का मतलब यही होता है कि आपको उसे एफिशिएंटली करना है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उसे अचीव भी करना है। ये मिशन मोड में आपको बहुत बार काम करना पड़ेगा, वंस यू गेट द पोस्टिंग, जब आपको पोस्टिंग मिलती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी मिनिस्ट्रीज के अंदर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, क्या इसे मिशन मोड में करना है या फिर नॉन मिशन मोड में करना है। जब आपको कोई भी चीज मिशन मोड में दी जाएगी आपके सीनियर्स के द्वारा, आपके जो ऊपर मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा, देन यू विल गेट टू नो कि यस इसको मुझे जल्दी से जल्दी करना है और टाइम बाउंड मैनर में इसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई की बात करी गई थी, एट द सेम टाइम यहाँ पे टॉयलेट्स के अंदर जो आपकी पानी की फैसिलिटीज है, टैप वाटर कनेक्शन है, वो भी प्रोवाइड करने की बात करी गई थी कि हमें स्कूल्स के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर, रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल के अंदर ये जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करनी है। ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, आंसर क्या होगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखिएगा, वहां पर गलती मत करिएगा। बेसिक नीड अनमेट, व्हाइल 7 states इन द कंट्री हैव 100% टैप वाटर कवरेज इन स्कूल, 3 हैव अबिसमली लो कवरेज ऑफ लेस देन 15%। यहाँ पे स्टेट वाइज डेटा जो है वो भी आपको दिया हुआ है, तो इसे प्लीज आप कवर कर लीजिएगा, नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ओली ब्रेडली। ओली ब्रेडली को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा है कि बताएं यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। IUCN स्टेटस दिया है, वल्नरेबल स्पीसीज है ये, IUCN के हिसाब से पॉसिबल है। सेकेंड की बात करें
इट इज फाउंड इन वॉर्म एंड ट्रॉपिकल वाटर प्राइमरली इन इंडियन ओशन ओनली। तो ये वॉर्म और ट्रॉपिकल वाटर में मिलता है और इंडियन ओशन में ही पाया जाता है, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। वैसे हम ओलिव रिडली के बारे में पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, क्योंकि कुछ कुछ महीनों के बाद ओलिव रिडली के ऊपर कोई ना कोई न्यूज आती है और हम कोशिश करते हैं इसको कवर करने की, बिकॉज जितने ज्यादा बार कोई न्यूज आ रही है, कई बार ये भी होता है, देखिए वैसे ज्यादा न्यूज में दो चीजें होती हैं, या तो वो बिल्कुल ही आपका एग्जाम के लिए अनइम्पोर्टेंट हो जाती है, या फिर क्योंकि वो ज्यादा बार न्यूज़पेपर में आ रही है और अगर एक रैंडम तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसका एक्सपोजर जो आपका पेपर सेटर है उसके सामने ज्यादा होगा, तो इसके आने की जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। बट हम दोनों ही तरीकों से चलेंगे और कोई भी चीज यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे 3 मेंबर पैनल जो है वो उड़ीसा की हाई कोर्ट ने बनाया है, और क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज थी कि गरी माता के पास 600 ओलिव रिडली टर्टल जो थी उसकी डेथ हो गई थी, और वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस चीज के लिए ब्लेम किया गया था कि आपने इस चीज का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया। ठीक है, सो दैट वाज द न्यूज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ ओलिव रिडली प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो इट इज वल्नरेबल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पे आएंगे, इट इज फाउंड इन वार्म वाटर, क्या ठीक है, क्या ये ट्रॉपिकल वाटर में मिलते हैं, यहां तक ठीक है। यहाँ पे ओनली, ठीक है, ओनली की वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि इट इज फाउंड इन इंडियन ओशन, प्राइमरली इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। तो ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज प्राइमरली दे आर फाउंड इन द पैसिफिक एज वेल एज इंडियन ओशन। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि इनका साइज जो है काफी छोटा होता है और जो इनकी क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना पीएम बीजेपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछा गया है इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, इस स्कीम को लेकर, इस योजना को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। दिस कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा पीएम बीजेपी को लॉन्च किया गया है, एंड एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस। इसके अंदर जो पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो ये है कि अफोर्डेबल प्राइसेस में, कम से कम प्राइसेस के अंदर मासेस को जो मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड करी जा सके। सोचिए, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली बीपीपीआई, दैट इज ब्यूरो ऑफ फार्मापीएसी ऑफ इंडिया, बीपीपीआई, उसने थर्ड जन औषधि दिवस को सेलिब्रेट किया है अभी 2 दिन पहले ही। ठीक है, इसमें मुख्य ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द पीपल एट द लोएस्ट प्राइसेस। तो यहाँ पे कोशिश यही करी जा रही है कि कम से कम प्राइसेस के अंदर जेनरिक मेडिसिन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करी जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज पीएम बीजेपी इज अ कैंपेन विच इज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन 2008 अंडर द नेम जन औषधि कैंपेन। तो पीएम बीजेपी जो एक कैंपेन है लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा जन औषधि कैंपेन के नाम से 2008 के अंदर। तो पहली जो स्टेटमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा की वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस, यहाँ पे वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कि आपको अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर मासेस को मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी है, क्या ये सही है। इट एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस, ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाती है। पीएम बीजेपी स्टोर्स हैव बीन सेटअप टू प्रोवाइड जेनरिक ड्रग्स, इसके अंदर जेनरिक ड्रग्स जो है उसके लिए अलग अलग जगह पे स्टोर्स जो है वो खोले गए हैं। कुछ दिन पहले ये भी न्यूज थी, ये भी हमने कवर किया था कि इसको लेके एक ऐप भी लॉन्च करी गई, उस ऐप के अंदर आप लोकेट कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन सा जन औषधि स्टोर लोकेट करता है ताकि आप वहां से मेडिसिन को परचेज कर पाए। क्वालिटी की बात करें, एफिकेसी की बात करें, तो जो आपकी ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं काफी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट जो है इस जेनरिक मेडिसिन के अंदर आपको एफिकेसी जो क्वालिटी है वो मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है आईएनएसटीसी के बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपसे पूछा गया बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये, हो सकता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया ओनली, इंडिया के द्वारा ही इसे एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इट इंक्लूड्स मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ शिप्स, रेल्स एंड रेल रूट, तो इसमें रोड भी है, शिप भी है, रेल भी है, तीनों ही चीजें इसके अंदर शामिल है। सोचे इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इंडिया ने अभी मैंने आपको बताया था कि चाबहार पोर्ट को इंक्लूड करने की अपनी जो इंटेंट थी उसको दिखाया था 13 नेशन इंटरनेशनल आईएनएसटीसी के बारे में, जो कि इंडिया से रशिया तक जाता है और इसमें उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्री जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट की, तो इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो कि 12 सितंबर 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में। ईरान, रशिया, इंडिया तीनों इसमें शामिल थे, तो कहें कि सिर्फ इंडिया की ही इनिशिएटिव है तो वो सही नहीं होगा।
हेंस आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि ईरान भी शामिल था, इंडिया भी शामिल था और रशिया भी शामिल था। इसमें कोशिश करी गई है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मेंबर कंट्रीज मेंबर स्टेट्स के अंदर इंप्रूव किया जा सकता है और यहाँ पे एक कॉपरेशन एस्टेब्लिश करी जा सकती है इन कंट्रीज के बीच में, चाहे वो शिप के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो, रेल के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से हो। एंड यस इट इज अ मल्टी मॉडल, वो तो नाम से पता चल गया ट्रांसपोर्टेशन मल्टी मॉडल है, तभी तो हम रेल की, शिप की और रोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, कॉमन सेंस को यूज करके हम दोनों को ही यहाँ पे करेक्ट मार्क कर सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप पे देख लीजिए किस तरीके से दिखता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई और बंदर अब्बास पोर्ट है, अभी इसमें चाबार को ऐड करने की बात करी गई है, अजरबैजान, देन आपका बाकू, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, और ये यहाँ से होता हुआ अलग अलग तीन मीडियम जो है वो यूज किए जाएंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड रूट जो आपको दूसरे कलर का दिख रहा है, एंड दिस इज द INSTC जिसमें रेल, रोड और शिप को शामिल किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आयुष को लेकर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कवर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर इन छह चीजों में से या फिर छह एरियाज में से जो सिस्टम्स है हमारे, उसमें से कौन सा आयुष के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन सा इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। तो यहाँ पे जल्दी से बताएं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, एलोपैथी, जल्दी से बताएं। वैसे कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, और लेकिन ऑफकोर्स जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा देन यू विल फिगर इट आउट कि कितना आसान था। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आयुष की बात हो रही है, तो ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, तो ये पांच इसके अंदर इंक्लूडेड है। और वैसे भी आयुष का ही काउंटर पोज, उसी का अपोजिट क्या है, उसी का अपोजिट आपका एलोपैथी है, तो ये तो वैसे ही नहीं इसमें शामिल हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयुष के फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आपको ये पांचों जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर था। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, अभी 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, लेकिन रिवीजन जो है वो पैसिव रिवीजन नहीं रहेगी, वो हमारी एक्टिव रिवीजन रहेगी, क्योंकि आप लोग ही आंसर करने वाले हैं इन चीजों को लेकर, आप ही लोग बताएंगे कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। चलिए तो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने चाबार पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, कहाँ पे लोकेट करता है, कौन सी गल्फ है, गल्फ का नाम बताएं मुझे। इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ डैश, नाम आप बताएंगे, एंड इज ओनली 72 किलोमीटर, और ग्वादर पोर्ट जो आपका है उससे 72 किलोमीटर दूर। जो ग्वादर पोर्ट कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है, उससे 72 किलोमीटर ये दूर है। गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया का ये ट्राइपरटाइट अग्रीमेंट था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन हमारा हुआ था PLI स्कीम के बारे में, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेल्स के बेसिस पे जो यहाँ पे इंक्रीमेंट है वो देने की बात करी गई थी, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इससे क्या होगा, क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट मिलेगा या फॉरेन इंडस्ट्री को, ये बताएं आप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यस इसके अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उनको यहाँ पे इनिशिएटिव देने की, उनको एनकरेज करने की बात करी गई है PLI स्कीम के अंदर। देन नेक्स्ट डिस्कशन हमारा हुआ था न्यू एम्ब्रेला एंटिटी के बारे में, किसके ऑल्टरनेटिव में ये अपने जो सिस्टम्स हैं उसे लाने वाले हैं वो बताइएगा। इट इज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो कि सेटअप करी जाएगी ताकि वो नए पेमेंट सिस्टम्स को सेटअप कर सके, मैनेज कर सके और ऑपरेट कर सके, ठीक है। व्हाइट लेबल POS हो, आधार बेस्ड पेमेंट्स हो, रेमिटेंस सर्विसेज हो, ATMs हो, इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला है। चलिए NPCI जो है उसके ऑल्टरनेटिव में ये चीजें लाने वाले हैं। देन रेडियो लाइट क्वाजार के बारे में बात करी थी, जल्दी से मुझे बताएं क्वाजार जो है क्या क्या चीजें एमिट करता है। एमिट करने के अंदर मैंने आपको 4-5 नाम बताए थे, वो जरूर बताइएगा। इसे क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स भी कहा जाता है। क्वाजार जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं फार अवे गैलेक्सीज के अंदर, और ये एक्सरे से लेके इंफ्रारेड, यूवी रेज, गामा रेज, इन सबको एमिट कर सकते हैं। देन हमने नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो अपना किया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण Phase 2 को लेकर, जल्दी से मुझे बताएं क्या क्या चीजें इसके अंदर करे जाने वाली हैं। 4-5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, उसमें से एक भी याद है तो प्लीज बताएं। तो सस्टेन बिहेवियरल चेंज की बात करी थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी थी, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर की बात करी थी, और इसको ये रीयूज कैसे करना है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करी गई थी। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ODF सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था। नाउ 12 मार्च को जो आपके प्राइजेस हैं वो सीरीज के इंक्रीज होने वाले हैं, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 12th ऑफ मार्च से पहले ही 100 डेज की और 200 डेज की जो सीरीज, आप जो भी आपके टाइम के हिसाब से आपको प्रॉपर लगे उसे एनरोल करा सकते हैं, एंड द सेम गोज फॉर 2022 की जो आपकी सीरीज है। अगर करंट अफेयर्स की जो सीरीज है इसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में 100 डे कैंपेन के बारे में हमारी चर्चा हुई थी, और मैंने यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री का नाम बताया था,
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वॉज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और कितने दिन के अंदर यहाँ पे हमारा मिशन मोड चला था, कितने दिन में प्रोवाइड करना था, क्योंकि अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज को इन्फॉर्मेशन दी है कि हम सिर्फ 50% टारगेट जो अपना अचीव कर पाए, 100 दिन का जो टारगेट था वो यहाँ पे रखा गया था, लेकिन 50% कवरेज हम कर पाए। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो था वो ऑलिव रिडली को लेकर हुआ था, कहाँ पर पाए जाते हैं, किस राज्य के कोस्टल रीजन में, खासतौर पे साइज काफी छोटा होता है, क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, और इसका आयुषन स्टेटस का ये भी बता सकते हैं, खासतौर पे उड़ीसा गैरमाथा रीजन मरीन सेंचुरी जो है वहां पर पाए जाते हैं, और वल्नरेबल इज द आईयूसीएन स्टेटस, वार्म वाटर ट्रॉपिकल वाटर जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है वहां पर ये मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जानने की कोशिश करी थी पीएम बीजेपी के बारे में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को लेकर पूछा गया था, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट का नाम आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर, और साथ ही साथ मासेस को ये जो है प्रोवाइड करना है हमें, ठीक है। पीएम बीजेपी जो कैंपेन है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा चलाया गया है, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आईएनएसटीसी के बारे में बात हुई थी, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे शुरुआती दौर में वो बताइएगा। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मल्टी मॉडल में आपका रेल भी शामिल है, शिप भी शामिल है और रोड भी शामिल है। कंट्रीज कौन कौन सी थी वो भी मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले इट एनविजन, क्या एनविजन करते हैं, 7200 किलोमीटर लॉन्ग लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ शिप रेल रोड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने की बात करी गई है, मैं आपके ऊपर दिखाने वाला हूँ। लेकिन ईरान रशिया और इंडिया का नाम जरूर याद रखिएगा, जो शुरू में इनिशिएशन था वो इन्हीं कंट्रीज के द्वारा लिया गया था, जैसे कि आप यहाँ पे मैप के ऊपर देख सकते हैं। चलिए फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में आयुष के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको आयुष में बताया था पहला पहला जो इसका अल्फाबेट है वो लेते जाएं, ए से क्या है आयुर्वेदा है, वाई से योगा है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है, एच से होम्योपैथी है, और एलोपैथी इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए सी वाज द करेक्ट आंसर, करेक्ट कर लीजिएगा। सो एक्टिव रिविजन भी हमारी हो चुकी है, अब सोवा रिगपा, आयुष में एस से हमने सोवा रिगपा पढ़ा है, दिस इज रिगपा, सोवा रिगपा, सोवा रिगपा जरूर बताइएगा वन लाइन के अंदर ये क्या है, ठीक है। नहीं पता है तो गूगल करके जरूर बताइएगा, देखिए जब आप गूगल करके भी लिखेंगे इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि आपने खुद एफर्ट करके कोई चीज ढूंढने की कोशिश करी और उसके बाद उसे टाइप करके लिखा, इससे भी चीज आपको याद रहेगी कि यस उस तारीख को उस दिन को जब सर ने कोई क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स का तो वो मैंने, मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने सर्च करके टाइप करके लिखा, या मुझे पता था तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो इससे आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो कोशिश करें अपनी तरफ से भी जो लिटिल बिट एफर्ट है वो करके आप चीजों को लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन है डू यू थिंक इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइंड बाय अदर कंट्रीज, क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति अन्य देशों द्वारा निर्धारित करी जाती है, यस या नो, यस तो क्यों, नो तो क्यों नहीं, एक आंसर लिख के इसमें बताइएगा। देन व्हाट आर द थ्री बिगेस्ट एनिमीज ऑफ इंडिया, इंडिया के तीन सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं, उनके बारे में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको बताना है। लेट्स सी आप लोग किस अंदाज से इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए सेकंड चैनल जो है उसको एनरोल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर वी आर प्लानिंग राइट नाउ, अभी उसमें वीकली बेसिस पे आपको वीडियो मिलते हैं, बट वी आर प्लानिंग समथिंग गुड इन दिस, और आपको बहुत जल्दी यहाँ पे वीडियो जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। दीज आर द मेन्स और इंटरव्यू का चैनल टेलीग्राम का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मेंस के आंसर्स और इंटरव्यू के आंसर रिस्पेक्टिव चैनल के ऊपर भेज सकते हैं। अनु कुमारी ने करेक्ट आंसर दिया है लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप मुझे बताइएगा पीडीएफ आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, और नीचे अपने मार्क्स जो है वो जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि अब देखने का टाइम है कि क्या आपने जो टारगेट सेट किया था उसे अचीव किया कि नहीं किया, किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो मार्क्स जरूर लिखें, चाहे 0 भी क्यों ना आपने स्कोर किया हो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, बिकॉज ग्रेजुअली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, और जो नोट मेकिंग का प्रोसेस है वो भी शुरू कर दीजिए, सेकंड और थर्ड टाइम जब आप देखेंगे वीडियो को तब अपनी नोट मेकिंग को जरूर करिएगा, अदरवाइज लास्ट में क्या होगा ना, जब एग्जाम आपके सामने होगा तो वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता उस 1 से 2 दिन के अंदर, कोशिश यही होती है एग्जाम से पहले कि एक ऐसे शॉर्ट नोट्स बने हुए हों जो कि हमारी हेल्प करे, जो कि हम पूरे साल में क्या पढ़ा है उसे रिवाइज करने में हेल्प करे, यहां पर किसी और के नोट्स आपको हेल्प नहीं कर सकते, वीडियोस देखने का टाइम आपके पास नहीं होगा। सो बेस्ट चीज यही है कि आप शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चले और लास्ट में जब आपका एग्जाम आपके सामने होगा उसमें रिविजन करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आंसर्स को भी सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून, बिकॉज आज बैक टू बैक हमारे लेक्चर्स रहने वाले हैं। हैव अ नाइस डे।